यार मेरे ओनर ने मेरा रेंट फिर से बढ़ा दिया है। इतने सालों से उसे इतना पैसा देने के बाद भी मुझे कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है। सो मैं सोच रहा था कि मैं एक फ्लैट ले लेता हूँ। उसका ईएमआई जो जाएगा अगर वो थोड़ा ज़्यादा भी गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि एंड में तो एसेट मेरा ही होना है, प्लस जो भी मुझे इंटरेस्ट पे करूँगा उस पर एक टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तेरा क्या ख्याल है इस बारे में? देख जहाँ तक टैक्स की बात है वो तो तू एचआर पे भी बचा सकता है। ऑब्वियसली तू 30% टैक्स लब में आता है तो तेरा काफ़ी ज़्यादा टैक्स कटता है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड यू आर लुकिंग फॉर एवेन्यूज फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर टैक्स सेविंग। तो सबसे पहले तो तू ये समझ ले कि एचआरए और ईएमआई तो दोनों पे एक साथ टैक्स बचा सकता है। यार मैं एक साथ एचआरए और ईएमआई दोनों पे कैसे टैक्स क्लेम कर सकता हूँ? अगर मैं खुद के घर में रह रहा हूँ तो मैं एचआरए कैसे क्लेम करूँगा, और अगर मैं किसी को रेंट दे रहा हूँ तो मैं ईएमआई कैसे क्लेम करूँगा? देख सिंपल सी बात है कि तू दिल्ली में इसलिए रह रहा है क्योंकि यहाँ तेरी जॉब है। कल को हो सकता है तेरी जॉब बैंगलोर लग जाए तो तू वहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। सो तू बैंगलोर में रेंट पे करेगा जहाँ पे तू रह रहा है उसके लिए, और दिल्ली में जो तूने फ्लैट लिया है उसके लिए ईएमआई भी पे करेगा। अब गवर्नमेंट को भी ये पता है इसलिए वो हमें दोनों चीज़ का टैक्स बेनिफिट लेने के लिए अलाउ करती है। तुझे बस ये प्रूव करना है कि तेरी जो ऑफिस लोकेशन है वो घर से इतनी दूर है कि तुझे डेली कम्यूट पॉसिबल नहीं हो पाता है, एंड इसलिए तूने एक रेंटेड हाउस लिया। ये भी ज़रूरी नहीं कि ये दो अलग अलग सिटीज़ नहीं हो, यू कैन हैव द सेम सिटी। जैसे कि तू वेस्ट दिल्ली में तेरा ऑफिस है और ईस्ट दिल्ली में तेरा घर है। अब तू दोनों जगह डेली कम्यूट नहीं कर पाता है, इसीलिए तूने वेस्ट दिल्ली में एक रेंट पे हाउस ले रखा है, और इसीलिए तू रेंट भी पे कर रहा है और ईएमआई भी पे कर रहा है, एंड यू आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ बोथ। अब रेंट के मामले में एक बात और है कि तुझे ज़रूरी नहीं किसी थर्ड पर्सन को, अननोन पर्सन को अगर रेंट पे कर रहा है तो ही तू टैक्स बेनिफिट लेता है। ये भी हो सकता है कि तू अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर में रह रहा है, तो बस एक एग्रीमेंट साइन करके और उनको रेंट पे करके यू कैन से क्लेम टैक्स बेनिफिट ऑन एचआरए। तुझे बस ये दिखाना है कि अपने पेरेंट्स को रेंट देता है, जो कि रेंट अग्रीमेंट से प्रूव हो जाएगा, एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू कैन क्लेम टैक्सेस फॉर टैक्स बेनिफिट फॉर इट थ्रू एचआरए। ऐसी और अगर तुझे एडवाइस चाहिए तो आई वुड रिकमेंड यू शुड फॉलो माय चैनल फिस्क। थैंक्स यार, इससे तो मैं काफी सारा टैक्स बचा सकता हूँ। आई मस्ट फॉलो फिस्क फॉर मोर एडवाइस लाइक दिस।